Hello guys, this is Cinephile, a channel dedicated to cinema. I hope you all are fine and doing well in your life. आज इस वीडियो में मैं बॉलीवुड अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर की मच अवेटेड मूवी ब्रह्मास्त्र के बारे में अपने ओपिनियंस और थॉट्स बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि मुझे इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वेल, ब्रह्मास्त्र एक ऐसी फिल्म है जो कि ऑलमोस्ट एक डिकेड से बन रही है और इसका बजट भी काफ़ी हाई है। ये फिल्म 2014 में अनाउंस हुई थी, पर उस समय मेरे अंदर इस फिल्म के लिए कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं थी, पर धीरे धीरे इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ती गई और आज इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस फिल्म के प्रति मेरे एक्साइटमेंट के दो ही कारण हैं, पहला अयान मुखर्जी और दूसरा रणबीर कपूर। जब मैंने अयान मुखर्जी की फिल्म वेकअप सीट देखी थी तो मुझे वो फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। फिर मैंने ये जवानी है दीवानी देखी, वो देखकर तो मैं अयान मुखर्जी का फ़ैन ही हो गया था। और जब मुझे पता चला कि ब्रह्मास्त्र अयान मुखर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो इस फिल्म को बना रहे हैं, तब से मैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ और तभी से मैं इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और बात करें रणबीर कपूर की, तो वो कितने बेहतरीन एक्टर हैं ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। फिल्म को बनाने में इतना वक्त लगा, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफ़ी वक्त लगा, फिल्म के रिलीज डेट्स कई बार चेंज हुए और फिर फाइनली आज 15 जून को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। आई वॉन्ट से दैट इट्स द बेस्ट ट्रेलर आई हैव एवर सीन, बट या इट्स अ गुड वन एंड इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। ट्रेलर में पंच लाइन्स और डायलॉग्स की थोड़ी कमी थी, बाकी सब बिल्कुल सही। ट्रेलर के विजुअल्स काफ़ी बेहतरीन थे और उन्हें देखकर गूज़बम्प्स आ रहे थे। विजुअल्स बहुत ज़्यादा कलरफुल थे और ऐसा लग रहा है कि विजुअल्स के सैचुरेशन लेवल को काफ़ी हाई रखा गया। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा है और ट्रेलर में केसरिया सॉन्ग को अच्छे से यूज़ किया गया है। जब भी मैं इस सॉन्ग को सुनता हूँ तो मैं इस सॉन्ग में खो जाता हूँ, यानी कि इस फिल्म के गाने भी बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। फिल्म के एक्टर्स रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, मौनी रॉय, सभी का काम काफ़ी अच्छा लगा और देखना एक्साइटिंग होगा कि वो अपने पावर्स का कैसे यूज़ करते हैं। बात करें फिल्म के स्टोरी की, तो ट्रेलर में फिल्म के स्टोरी को रिवील नहीं किया गया है, जो कि फिल्म के लिए प्लस पॉइंट है। और ट्रेलर देखकर फिल्म की स्टोरी काफ़ी डीप और इंगेजिंग लग रही है, जो कि देखने में काफ़ी मज़ेदार होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं है कि ट्रेलर में कोई कमी नहीं है, ट्रेलर में कुछ कमियां हैं, जैसे कि कुछ जगह पे VFX आपको काफ़ी ठीक ठाक ही लगेगा क्योंकि इस फिल्म का बजट उतना हाई नहीं है जितना कि अक्सर मार्वल और DC की फिल्मों का होता है। अयान मुखर्जी ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपना पूरा करियर इस फिल्म को दे दिया। वो चाहते तो इन 9 सालों में वो 3 से 4 अच्छी फिल्में, बड़ी फिल्में बनाकर बड़े डायरेक्टर बन सकते थे और खूब पैसे भी कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपना पूरा करियर दे दिया। हम सभी को इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अगर ये फिल्म सक्सेसफुल होती है तो आगे भी हमें ऐसी फिल्में देखने को मिलेगी, वरना अगर ये फिल्म अनसक्सेसफुल होती है तो आगे से कोई भी मेकर ऐसी फिल्म बनाने की रिस्क नहीं लेगा, जो कि हमारे इंडियन सिनेमा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये फिल्म हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी और फिल्म एकदम माइंड ब्लोइंग होगी। अयान मुखर्जी और उनकी टीम इस फिल्म को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है। इस फिल्म को साउथ स्टेट्स में भी काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है। लेजेंडरी डायरेक्टर SS राजमौली भी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही डिज्नी स्टूडियो इस फिल्म को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यह पहली इंडियन फिल्म है जिसे डिज्नी स्टूडियो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है और यह वही डिज्नी स्टूडियो है जिसने अवतार, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स इंडगेम जैसी मूवीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मुझे इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और यह फिल्म हमें, मुझे नहीं लगता, डिसअपॉइंट करेगी। सो ओवरऑल द ट्रेलर ऑफ ब्रह्मास्त्र इज़ फैंटास्टिक एंड आई होप द सेम फ्रॉम द मूवी। आपको ये फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो ये था मेरा ओपिनियन अबाउट द मूवी ब्रह्मास्त्र एंड इट्स ट्रेलर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।